हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो आज मैंने IBPS PO मेंस का फर्स्ट मॉक टेस्ट किया है और ये स्मार्ट कीड़ा का फर्स्ट मॉक टेस्ट है और मैं अपना स्कोर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अफेयर्स क्लाउड की PDF प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो डेली वीक की एक PDF खत्म करनी है, तो आज मैंने सेप्टेम्बर की फर्स्ट वीक की PDF वहाँ पे पिन की है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर आपको अफेयर्स क्लाउड से करंट अफेयर पढ़ना है तो। और बाकी जो भी मैंने शेड्यूल है मेरा आज, जो जो चीजें मैं पढ़ रही हूँ वो सब मैंने शेयर किया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करना है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कितना स्कोर आया है मेरा यहाँ मॉक टेस्ट में। तो सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट से स्टार्ट किया है, बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो मेरा यहाँ पे स्कोर आया है 86.25 आउट ऑफ 200, एक्यूरेसी 84.62% रही है और परसेंटाइल 98.15% रही है। यहाँ पे 1082 इतने लोगों ने अटेम्प्ट किया इसको। और सेक्शन वाइज देखते हैं तो रीजनिंग में मैंने यहाँ पे 22 अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पे स्कोर मेरा है 24 आउट ऑफ 60 है ये। तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा होता है क्वांट और रीजनिंग में भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने किया भी है, 3 क्वेश्चन गलत किए हैं क्वांट में। जनरल अवेयरनेस में मैंने 30 किए थे और 28 यहाँ पे करेक्ट हैं, 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। और जो बाकी क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कोई पार्टनरशिप या कोई कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो वो याद नहीं रहते हैं कौन सी कंपनी थी, कौन सी इंश्योरेंस थी, वो सारे ऑप्शन भी इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगे, राइट। सो आप अगर करेंगे तो देखेंगे काफी कंफ्यूजिंग है जो बाकी मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं, बट पढ़े हुए हैं, बट याद नहीं रहता ना, कितना भी रिवाइज कर लो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है याद करना, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा 27.50 स्कोर रहा है और इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 25, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट हो गए हैं, जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। हालांकि मैंने कोई गेसवर्क नहीं किया है और तब भी गलत हुए हैं, बट देखते हैं अभी सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे 18.75 स्कोर आउट ऑफ 40 है। देन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो यहाँ पे 11 करेक्ट हैं, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे 16 स्कोर आया है आउट ऑफ 60। तो ओवरऑल अगर देखें तो 14 क्वेश्चन मैंने इनकरेक्ट किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो इंग्लिश के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो ओवरऑल मेरा 86.25 यहाँ पे स्कोर रहा है। सो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं शो कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपने हो सकता मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ना किया हो तो चीटिंग नहीं करनी, राइट। तो इसलिए आप पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस तो मैंने दिखा ही दिया है। अभी अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट और डेली मेरा जो शेड्यूल मैं फॉलो कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा टफ है फॉलो करना क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो अगर प्री क्लियर होता है तो मेंस के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, और सो हमेशा की तरह फिर होगा कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई या 1-2 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, तो ओवरऑल फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो गलती नहीं करनी है, शुरू से स्टार्ट कर देना है पढ़ना, तो अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है और जब भी एग्जाम तब तक पढ़ना है और डेली शेड्यूल फॉलो करना है। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो कोई भी अगर क्वेरी है। SBI क्लर्क के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगी अगर कोई बिगिनर्स है उसके लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।